और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं और नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं 6 सितंबर यौम दिफा शोहदा की याद का ये दिन है और नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं शोहदा फाउंडेशन के कैंप पे। इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं मेजर शहीद अदिल शाहिद के जो फादर हैं सैयद शाहिद हुसैन जैदी साहब, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनके बेटे ने एक बड़ी शहादत पेश की है जो कि मेजर शहीद अदील हैं, जिन्हें आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनसे जानते हैं आज इनकी क्या फीलिंग्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पूरा नाम सैयद शाहिद हुसैन जैदी है। मैं शहीद मेजर अदील शाहिद का फादर हूँ। शहीद मेजर अदील शाहिद की तीसरी बरसी 20 तारीख को होगी। ये मतलब बरसी तो नहीं कहना चाहिए, यौम शहादत उनका 20 सितंबर को हुआ, आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर एक पाकिस्तान के लिए यादगार दिन है, पाकिस्तानी आवाम के लिए भी यादगार दिन है। हम लोग असल में अपनी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर कर लेते हैं, वरना 6 सितंबर पहले सितंबर से ही ये जो इंडिया ने हमला किया था उसमें ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंकों का हमला था, जिसमें 300 टैंक यूज़ किए गए थे। उसमें आर्मी के साथ जनरल पब्लिक, स्टूडेंट, लखियारी, दानिश्वर, ये सब बैटल फील्ड के अंदर तक गए थे और उनका हौसला बढ़ाते थे। नूर जहाँ पहुँची हुई थी और बहुत सारे फनकार पहुँचे हुए थे। ये वो वक्त था कि जब जिसके हाथ में डंडा था वो डंडा लेकर चला गया, जिसके घर में डंडा था, जिसके पास गन थी वो गन लेकर चला गया। और लोगों ने, जिसके पास कुछ नहीं था, उन्होंने ये किया कि टैंक आ रहा है तो उन्होंने सीने में बम बांधा और उसके आगे लेट गए, बम फटा उड़ गया टैंक। मतलब ये मोहब्बत, ये वतन से ऐसी मोहब्बत थी कि अपनी जान निसार कर रहे थे। हाँ, तो वो वलवला अगर आज कौम में पैदा हो जाए तो जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं मैं समझता हूँ सारे दूर हो जाएं। असल में अब जंगों का वो हिसाब किताब नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब 5th जनरेशन वॉर चल रही है, ये टेक्नोलॉजी की वॉर होती है, इसमें लोगों का माइंड चेंज किया जाता है, दुश्मन अपने मुताबिक करता है। हमारे बहुत सारे लोग तो नहीं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस गलबे में आ गए हैं 5th जनरेशन वॉर के। और बलूचिस्तान में जो गड़बड़ थी, जो फाटा में और सब जगह ही थी, पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, तो वो लोग इफेक्टिव थे 5th जनरेशन वॉर के। मैं बेटे की शहादत के बाद हमने एक एनजीओ बनाई, उसका नाम है शोहदा फाउंडेशन शहीद मेजर अदील शाहिद मेमोरियल। हम शोहदा पे काम कर रहे हैं, यानी जनरल जिस तरीके से दूसरी एनजीओज हैं हम उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। हमने जब फ्लड नहीं आया था, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, सिंध में जिन गांवों के अंदर पीने का मीठा पानी नहीं था वहाँ हम लोगों ने ट्यूबवेल लगाने शुरू किए, हैंडपम्प्स 22 गांवों में पानी पहुँचा चुके थे और ये टोटल 11,700 शोधा हैं, क्योंकि हम जो हैंडपम्प लगाते हैं वो किसी एक शहीद के नाम से लगाते हैं। जी, कराची में भी एक हैंडपम्प लगाया है गुलशन हदीद में, फेज 2 में, बहुत बड़ा। जी सर, माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ शोहदा फाउंडेशन की कारकर्दगियाँ पूरे सिंध में, जो है आपने बड़ा काम किया शोहदा की फैमिली के लिए, आपने बड़ी काविशें हैं आपकी। आप खुद एक मेजर के वालिद हैं, क्या महसूस करते हैं कि आपका बेटा जब शहीद हुआ क्या फीलिंग आई आपकी कि उसने मुल्क पे जो है अपनी जान निसार कर दी? मेरा बेटा ये जान पाकिस्तान के लिए है। मैं इस उम्र में भी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता। अगर ज़रूरत पड़ी तो अदील की शहादत, मेजर अदील की शहादत से 4 महीने पहले मैंने आर्मी चीफ को लेटर लिखा था कि मैं अपने लाइक माइंडेड जो लोग हैं उनको ले जाकर मकबूजा कश्मीर में धूं धड़ा कर सकता हूँ, तो इजाज़त दे दें आप।
उनका जवाब यह आया था कि हम अपने पेरेंट्स को जहमत नहीं देंगे, आपके मुल्क का एक एक इंच ज़मीन सेफ है और आप इसको जहन से निकाल दें। तो बेटे की शहादत पे क्यों, मैं बड़ा पक्के ईमान का आदमी हूँ कि जिस वक्त रूह निकलनी है, जिस वक्त जान जानी है, उसमें एक लम्हा ना देर होगी ना सवेर होगी, ना पहले होगा ना बाद में होगा, उसी वक्त होगा जिस वक्त अल्लाह पाक ने चाहा। तो बेटे की खुद भी शहादत की ख्वाहिश थी, वो छोटा सा था जब दूसरी तीसरी क्लास में, उस वक्त से वो शहीद शहीद खेलता था घर में अपनी बहनों, यानी शहादत का एक जज्बा था। जज्बा यानी जिसे जितना बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे मुनासिब लफ्ज़ नहीं मिल रहा, वो इतना जज्बा था। उसने अपने टीचरों से भी दुआ करवाई कि जब भी यानी मैं इस दुनिया से जाऊं तो शहादत की हो। मुझसे कहता था पापा कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना, ज़ख्म देखना हो तो मेरे सीने पे देखना, पीठ पे नहीं मिलेगा आपको। तो जो कहता था वो करता था और कमिटमेंट का बहुत पक्का था। अब फर्स्ट ईयर का बच्चा जवान बच्चा होता है, लेकिन उसका उस वक्त भी दोनों बहनों के साथ यही खेल था। बाकायदा वो मेजर अजीज भट्टी बनता था, उनका आइडियल था, और कभी वो राशिद मिनाज बन जाते थे, वो तकिया फेंकती थी ये गिर जाते थे, फिर कहते थे सफ़ेद वाली चादर पहले उड़ा दो फिर रैप कर देना मुझे झंडे में, और वो रैप होकर ही आया। मतलब मैं अपने पूरे ईमान से कह रहा हूँ कि अगर मेरे 100 बेटे होते मैं पाक फौज को दे देता। ये बहुत बड़ा काम है। देखिए, शहीद का खून कभी रहेगा नहीं जाता, और आपके बेटे ने बल्कि आपके पूरे घर ने जो कुर्बानी दी है उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने इतना बुलंद हौसला रखा, और इस वक्त जो आपकी फीलिंग्स है वो शायद हम नहीं समझ सकते। नाज़रीन, मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँ, जिस ब्रिज के नीचे इस वक्त हम खड़े हैं, ये जौहर मोड़ के पास जो है ये ब्रिज है, और ये ब्रिज जो है ये शहीद मेजर अदील शाहिद के नाम का ब्रिज है ये, और इसके सामने भी जो ब्रिज है वो शहीद मेजर अदील शाहिद के नाम का जो है ये ब्रिज है। अच्छा सर, कैसे जो है आपके बेटे ने जो कुर्बानी अपना मतलब मिशन हासिल किया, क्योंकि एक फ़ौजी का मिशन यही होता है कि उसको शहीद यानी वो शहीद हो, तो आपके बेटे ने मेजर अदील ने कैसे अपना मिशन हासिल किया? ये यानी चाइना से आया था एडवांस ट्रेनिंग करके, बेसिकली वो स्पेशलिस्ट था ड्रोन का, और हार्ड एरिया करना होता है आर्मी के अपने रूल्स हैं। तो इसकी पोस्टिंग हुई थी मोमिन में, मोमिन एजेंसी, वहाँ ग्रूसल गेट के पास माइंस लगाई गई थी, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन ये थी कि आज कोई बड़ा हमला करेंगे, 30-35 लोग आएंगे। तो रात को उसने मुझे वॉइस मैसेज किया, कहने पापा ये इट इज़ पॉसिबल कि मैं कल आई मे इम्प्रेस शहादत, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको शौक ना हो सुबह। और सुबह 11:10 पे वो शहीद हो गया। यानी वहाँ जो बॉर्डर पे फेंसिंग थी उसको वो ओवरऑल सुपरवाइज कर रहा था। अब शहादत का भी मसला ये है कि ये मिंजानी बल्ला होती है, उसका काम नहीं था BDS का, लेकिन BDS के साथ वो खुद गया कि वो एरिया ख़तरनाक है, ये यानी अकेले ना जाए सीनियर ऑफिसर के। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये शहीद मेजर अदील शाहिद जो है, उनके फादर इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे, सैयद शाहिद हुसैन जैदी इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। देख सकते हैं कितना जज्बा इनके अंदर मौजूद है, और अपने बेटे की कुर्बानी जो है अपने अल्फाजों से आपको किस तरीके से बता रहे हैं। जी, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा अब एक बेटा गया है, अगर मेरे 100 बेटे भी होते तो मैं पाक फौज में भेजता कि वो ये सिलसिला जारी रखें। देखें, ये फौजी शहीदों की और गाजियों की बदौलत आज अमन है पाकिस्तान में,
वरना जगह जगह पे बम धमाके, जगह जगह पर यानी दहशतगर्दी की वारदातें होती थी। लोगों ने अपनी जान दी है तो ये सिलसिला बना है ना। अच्छा, हमने सुना है कि आपने अपने पोते का नाम जो है मेजर रखा है, तो क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या सोच के आपने नाम मेजर रख दिया? मैंने मेजर नहीं रखा, वो अपने आप को खुद मेजर कहता है। अच्छा। 4 साल का है वो, यहाँ मौजूद है इस वक्त, वो अपने आप को कहता है कि मैं अदील चाचू की जगह पे जाऊँगा और मैं दुश्मन को ऐसे गोली मार दूंगा और यूं गोली मार दूंगा। छोटा सा है अभी तो, 4 साल का है, APS में पढ़ता है, उसको पूरा पता है कि APS के बच्चे कैसे शहीद किए गए। तो वो अपने चाचू से बड़े इंस्पायर्ड हैं, कहते हैं कि मैं मेजर बनूंगा और फौज में जाऊंगा। आज घर पे सीनियर फौजी ऑफिसर्स आए थे तो वो बड़ा बन ठन के पहले से बैठ गया कि हम फौजी आएंगे तो मैं उनसे हाथ मिलाऊंगा, और बाकायदा उसने सैल्यूटिंग की उनको, गया जैसे प्रॉपर जाते हैं, जाके हाथ मिलाया सबसे, सलाम अलैक की। और जो आज न्यूज़ के नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस दिन के हवाले से? देखिए, दुनिया के सारे काम चलते रहते हैं, सिर्फ दो काम कर लें, एक तो झूठ बोलना बंद कर दें, जो भी बोलते हैं हमारी अक्सरियत बोलती है, और दूसरा ये कि अपनी मिट्टी से, अपने वतन से मोहब्बत करना सीखें। यानी सिर्फ इतना सोच लें कि आपको सब कुछ पाकिस्तान ने दिया, आपने पाकिस्तान को क्या दिया? चलते हुए कचरा ना फेंके नीचे, छोटे छोटे से काम हैं जिसमें आपके पैसे खर्च नहीं होते हैं, कचरा ख़त्म, जिम्मेदारी का एहसास करें, बच्चों को यानी तबलीग करें, उनको बताएं कि तुम्हारा इतना बड़ा मुल्क है जिसमें सारे मौसम हैं, जिसमें पहाड़ हैं, दरियाएं हैं, मैदान हैं, और यानी कोई किसी चीज़ की कमी अल्लाह ने नहीं छोड़ी, और मिनरल्स में हम बहुत रिच हैं। अगर हम लोग सही काम करते तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत आगे होता इकोनॉमिकली, और अब भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चों का खून रहेगा नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, ये जो अभी पॉलिटिकल क्राइसिस है इनसे बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शोदा फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी नबील शाह, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। शोदा फाउंडेशन का जो आज का जो प्रोग्राम है, अपनी नौयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 6 सितंबर को हम यौम दिफा, यौम शोदा मनाते हैं और बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। इस दिन का मकसद ये होता है पाकिस्तान अफवाज की जो लाजवाब कुर्बानियाँ हैं, जो शोदा के ख़ानदान हैं, उनके साथ यकजहती करना। मगर ये प्रोग्राम अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज ख़ानदान शोदा यहाँ पर मौजूद हैं और वो कौम से बोल रहे हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में क्या सैलाबी सूरत हाल हो, या मुल्क में कभी जलजला आए, या कभी कोई जंगी कैफियत हो, तो पाक फौज जहाँ पर अपना किरदार अदा कर रही है, जहाँ पर इन लोगों ने अपने जवान बच्चे लगते जगर इस मुल्क को कौम की खातिर कुर्बान कर दिए, वहाँ पर ये बूढ़े माँ बाप और ये ख़ानदानी शोदा आपके साथ खड़े हुए हैं कदम से कदम मिलाकर, और इंशाल्लाह ताला जब तक ये ख़ानदान आबाद हैं, इनके रूहानी तो इन एक फैज तो है, मगर इसके बावजूद ये अपनी जान माल इज्जत आबरू के साथ इस मुल्क के दिफा के लिए और इस कौम के साथ खड़े हैं। आज का जो हमने ये प्रोग्राम किया शोदा फाउंडेशन का, कराची में एक मरकजी प्रोग्राम था ये पहला, और हम लोगों का एक ओपनिंग सेरेमनी बहरिया ऑडिटोरियम में इस वक्त मुनक्किद थी 20 सितंबर को, मगर सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए इस कौम के हम लोगों ने इस दुख को महसूस करते हुए हमने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करा, जो कि अब 16 दिसंबर को मुनक्किद होगा, जिसमें पूरे पाकिस्तान से शोदा की फैमिली जाएंगी। ये भाई इदारा है शोदा फाउंडेशन, जो कि 11,000 खानदानों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप आर्मी पब्लिक स्कूल की वो 84 फैमिलियाँ वो हमारे मेम्बर्स हैं, यहाँ पर जो तस्वीर आवेदा हैं ये सारे के सारे फैमिलीज हमारे मेम्बर्स हैं, इनकी माएँ, इनके इन शहीदों के वालदैन, इन शहीदों की बहनें बेटियां, वो सब हमारी फाउंडेशन के हिस्सा हैं। हम लोग सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के शोधा के ऊपर नहीं, ज़रब अज़ब रद्दुल फसाद के तो शोधा हमारे मेंबर्स हैं, मगर ये कि सिंध रेंजर, सिंध पुलिस, कोस्ट गार्ड, एंटी नारकोटिक फोर्स, कस्टम्स के जो शोधा हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो शोधा हैं, तो ये सब हमारी फाउंडेशन में हमारे साथ शामिल हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि शहीद मेजर अयाज हुसैन के फादर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ हुसैन इनका नाम है, आप खुद भी जानते हैं नाज़रीन शहीद मेजर अयाज हुसैन को, उनके फादर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनकी क्या फीलिंग है आज के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
शुक्रिया आप लोगों का हमसे रब्ता करने का। दरअसल आज शोम पाकिस्तान, पाकिस्तान का डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे है और ये हम पाकिस्तान के दिफा के तौर पर मनाते हैं, लेकिन इस दिन में जो कुर्बानियाँ हुई हैं, जिन लोगों ने अपने खून का नजराना पेश किया, जिन्होंने अपने ज़ख्म खाए, और वो लोग जो घरों से बेघर हुए और अपने माली जानी और सोशल नुकसानात बर्दाश्त करके मुल्क को बचाया, तो उनको याद करना आज हम सबके ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि उन्होंने मुल्क बचाकर हमें दिया है और हम आज उनके मशहूर हैं कि हम आज आज़ाद हैं और अपने मर्ज़ी से इस मुल्क में रह रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ का और भी ज़्यादा फ़ख्र है कि जो शहादत का सिलसिला पाकिस्तान बनने से शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है, और मैंने भी अपना बेटा कुर्बानी के तौर पर पेश करके शहदा में नाम लिखवाया, और मैं आज फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने बाकियों ने अपने मुल्क को तरक्की दी है, लेकिन हमने मुल्क को बचाया है, खून देकर इस मुल्क को बचाया है, तो ये हमारे लिए बायस एजाज़ है। और हम यही चाहते हैं कि इस मुल्क में शऊर तो सब में है, जज्बा भी सब में है, लेकिन उनको गाइड देने वाला, उनको रास्ता दिखाने वाला, उनको मंजिल तक पहुंचाने वाला वो लीडर चाहिए, जो उनको, जो उनके आबा अजदाद ने उनको बताया था उस रास्ते पर चलाए। और अच्छा हजरत, जैसा आपने बताया कि 2022 में इनकी शहादत हुई है, तो 2020 में शहादत हुई, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, उस वक्त आप कहाँ थे जब इन्होंने शहादत हासिल? जी, मेजर अयाज हुसैन फौज में पायलट था, और ये स्कर्दू में इसका स्क्वाड्रन लगा हुआ है, और इनका मिशन होता था कि सियाचिन ग्लेशियर में, जो के बर्फ में ढके हुए पहाड़ हैं और साल के 12 महीने ही वो बर्फ में ही ढके रहते हैं, वहाँ पर हमारी फौज डिप्लॉय है, उस फौज को राशन की सप्लाई हो, एम्युनिशन की सप्लाई हो, मैन पावर की सप्लाई हो, या इवैक्यूएशन हो, या किसी भी किस्म का काम हो, तो कोई रास्ता, ज़मीनी रास्ता नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक हेलीकॉप्टर का ही ज़रिया है, जिससे वो अपने अगले मोर्चों से आते हैं और वापस जाते हैं। तो ये इनके ऊपर एक मिशन था कि सियाचिन ग्लेशियर के एरिया में एक मिनी मर्ग जगह है, उसके नज़दीक कुछ जवान बर्फ के नीचे दब गए थे, और उन जवानों को इन्होंने निकलवा कर वापस उस हेलीकॉप्टर में स्कर्दू हॉस्पिटल पहुंचाना था। हालात, मौसमी हालात बहुत ख़राब थे, इनको पता था कि हम जाएंगे तो अनस्टेबल, चूँकि मौसम में गैर यकीनी की सूरत हाल है, शायद हम मंजिल तक पहुँचें या ना पहुँचें, लेकिन ये फौज का एक अफसर का या जवान का एक मोटो है, ये असूल है कि उनको जो हुक्म मिलता है उसके पीछे फिर वो पीछे हटते नहीं हैं। तो इन्होंने भी कोई अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने हेलीकॉप्टर में अपने मंजिल की तरफ गए, और वहाँ से वो जो शहीद बर्फ में जवान थे उनको जहाज़ में उठाया। वापसी पर अचानक उस एरिया में बर्फानी तूफान आ गया, जिससे जहाज़ में फनी ख़राबी पैदा हो गई और वो जहाज़ वहाँ पर क्रैश हो गया, और उसमें दो पायलट थे, एक मेजर अयाज हुसैन, एक हुसैन मोहम्मद इरशाद, और उसके साथ एक क्रू था, ये तीनों जहाज़ के अमले के थे, और एक आदमी, एक जवान जो था वो डेड बॉडी के साथ था, ये सब वहाँ पर शहीद हो गए। उन्हें पता भी था कि मौसम ख़राब है, उसके बावजूद भी अपने मिशन। अब ये हमें एक सबक है, हमारे लिए एक ऐसा सबूत है कि फौज के जवानों को जब मिशन मिलता है तो वो हालात को नहीं देखते, बल्कि हालात को अपने लिए बनाते हैं,
हालात को ऐसा बनाते हैं कि वो उनके ताबे हो जाए, वो अपनी कोशिश करते हैं, बेशक फिर उसके में उनकी जान भी जाए। तो ये उन्होंने साबित कर दिया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और उन्होंने ऐसे हालात में भी अपने मिशन को जारी रखा, दूसरों को बचाते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में कौमी अमन इत्तेहाद के चेयरमैन मुदस्सर हुसैन शाह भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौमी अमन इत्तेहाद कौंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मैं इस प्रोग्राम में शिरकत किया। शहदा के प्रोग्राम में इनके जो शहदा हैं, इनके वारिस यहाँ आए हुए थे, वालदैन, उनकी वालिद साहब, उनकी बहनें, बच्चियाँ, बेटियाँ सब आई हैं और मैंने इनके साथ यहाँ शिरकत की है कौमी अमन इत्तेहाद कौंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। मज़ीद साथ ही मौजूद हैं शहीद मेजर मोइस मकसूद के जो है छोटे भाई नबील, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आज के दिन के हवाले से इनका क्या कहना है। जी मैं शहदा फाउंडेशन की तरफ से जो है बहुत शहदा फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मेरे भाई ने जो कुर्बानी दी है मुझे उस पर बहुत नाज है और इसी तरह बहुत सारे फौजी जो शहीद हुए हैं वो एक हमारे लिए याद है। तो अभी तो खैर एक सलाब रदगान का है जो बहुत सारे जो हमारे फौजी हैं जो इस वक्त मसरूफ़ हैं, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बाकी जो शहीद हो चुके हैं हमारे फौजी, जैसे शहीद मेजर अजील शहीद हैं, कैप्टन आकिब जावेद हैं, कैप्टन हैदर अब्बास और भी जो शहीद हैं, कैप्टन उमर फारूक चीमा है, ये कराची का लहू है और इन्होंने अपने वतन के लिए कुर्बानी दी है। तो मैं जो है मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए, लेकिन लोगों को मैं ये एक पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान आर्मी अगर है तो हम हैं, तो लिहाजा आप लोग पाक फ़ौज की इज्जत करें, पाक फ़ौज हमारे साथ खड़ी है, ठीक है। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मंजूर मंगी भी मौजूद है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है PS 103 के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे जानते हैं आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो दिन है हमारे लिए काबिले फ़ख्र का दिन है, पाकिस्तान का योम दिफा का दिन है और मैं खराज तहसिन पेश करूँगा इन शहीदों के वालदेन के जो मेरे साथ खड़ा है। इनका कहना था कि मेरा एक बेटा शहीद हो गया है, मुझे फ़ख्र है, अभी मेरा पोता है, उसका नाम मैंने अभी से कोई नाम नहीं रखा, मेजर रखा है, मुझे फ़ख्र है इस वालदेन पे और इनकी पूरी फैमिलियां जो खड़ी हैं शहीदों की वालदेन पे, मुझे फ़ख्र है और ये हमें फ़ख्र से पाकिस्तान का ये 6 सितंबर का दिन फ़ख्र से मनाना चाहिए। हम भी भरपूर कोशिश करते हैं हर हवाले से, भी हम अपना प्रोग्राम भी करते हैं मगर ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हमें हर प्रोग्राम ये मनाना चाहिए। और मैं एक बात को कंडेम भी ज़रूर करूँगा, हमें शहीदों की फैमिलियों को देख के हमें इतना एहसास होता है कि और मुख्तलिफ तंजीमें जो फौज पे तनकीद करती है मैं उसको शिद्दत से कंडेम करता हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए जो पाकिस्तान फौज के साथ इतनी कुर्बानियाँ जो दे रही हैं। APS स्कूल के ये बच्चों की तस्वीरें देखो, रूह कांप उठता है। परसों भी 5 नौजवान पाकिस्तान फौज के शहीद हो गए हैं बॉर्डर पर, वो लड़ रहे हैं हमारी खातिर, हम घरों में सुकून से सो रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं, बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं और उन पे कोई तनकीद करें, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे पॉलिटिकल सियासतदान। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त, कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ आज न्यूज़ कराची।